प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बस्तर प्रदेश की चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान 10 लाख करोड़ रुपए की 14,000 परियोजनाओं की बुनियाद रखी जाएगी और इन परियोजनाओं के पूरा होने पर यूपी में 34 लाख नई नौकरियों के मौके खुलेंगे। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री व लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। पिछले साल फरवरी में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए निवेश के वादों को साल भर के भीतर ही जमीन पर उतारने की शुरुआत योगी सरकार ने कर दी है। आज पीएम नरेंद्र मोदी चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आगाज करेंगे। इस दौरान पीएम 10 लाख करोड़ रुपए की 14,000 परियोजनाओं की बुनियाद रखेंगे और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 3 दिवसीय GBC 4.0 के उद्घाटन समारोह में मेजबान बनेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगे। 3 दिवसीय सेरेमनी में 4,000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसके अलावा देश के लगभग सभी टॉप उद्योगपति कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। शामिल होने आने वाले मेहमानों को लेकर राजधानी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां एयरपोर्ट से आईजीपी तक यूपी की संस्कृति देखेंगे आंगतो। तो 350 से अधिक कलाकार महकाएंगे संस्कृति की खुशबू। जीबीसी में आंगतो को उत्तर प्रदेश की संस्कृति का दीदार करेंगे और यूपी के लोक नृत्यों के जरिए आंगतों का स्वागत करेंगे। तो आईजीपी में 2 दिन तक बॉलीवुड कलाकार धमाल मचाएंगे। और इस पर विस्तार से जानकारी के साथ घनश्याम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। घनश्याम, प्रदेश की चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, इसको लेकर के राजधानी लखनऊ दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और रास्ते भर की जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, उससे रूबरू कराऊंगा। पहले ये सबसे पहली तस्वीर देखिए, ये देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम यहीं से शुरू हो गया है और ये जगह जगह पर इस तरीके से जो मेहमान आने वाले हैं, जो उद्यमी आने वाले हैं, उद्योगपति आने वाले हैं, उनके स्वागत में इस तरीके की स्वागत की जा रही है और इस तरीके की नृत्य की जा रही है। ऐसे ये डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर यानी सांस्कृतिक विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है और ये अलग अलग परिवेश में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग कल्चर में इस तरीके की कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप ये तस्वीर देखिए, मेरी मौजूदगी इस समय 1090-1090 चौराहे पे है प्रियंका, और यहीं से वो जो मेहमान होंगे गुजरेंगे। इस तरीके के से चारों तरफ गेट लगाया गया है, स्वागत गेट लगाया गया है और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम है। महज कुछ दूरी पे, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ से कुछ ही दूरी पे वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है। एक पुल है बीच में, उस पुल को क्रॉस करते का ओवरब्रिज जो ही क्रॉस करेंगे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है। और इस तरीके से कटआउट लगाए गए हैं और पूरे शहर को सजा दिया गया है। और मैं वो चौराहा जो यहाँ का लखनऊ, राजधानी लखनऊ का सबसे बड़ा चौराहा माना जाता है, उसकी तस्वीरें मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। वो तस्वीरें देखिए कि कितनी पूरे गुलाब के फूल, गेंदा के फूल, तमाम तरीके के फूल देश भर से मंगाए गए हैं। उन फूलों से पूरे चौराहे को सजा दिया गया है और हो भी क्यों ना, 4,000 से ज्यादा उद्योगपति आज जो है, उद्यमी आज इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी इस वक्त मौजूद रहेंगे। 3 दिन तक ये कार्यक्रम होगा और इस 3 दिन के कार्यक्रम में आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 3 से 4 घंटे के वक्त यहाँ पे गुजारेंगे। 4 घंटे से ज्यादा का वक्त यहाँ पे राजधानी लखनऊ में देंगे। तकरीबन 10:30 बजे वो कल्कि धाम संभल पहुंचेंगे, जहाँ पे एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहां से सीधे वो लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस जो ब्रेकिंग ग्राउंड सेरेमनी है, ब्रेकिंग ग्राउंड सेरेमनी 4.0 का उद्घाटन के बाद वहां पे कई पवेलियन, कई स्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं, वहां पे उसका अवलोकन भी करेंगे। उस पवेलियन में उद्योगपतियों से
मुलाकात भी करेंगे, उसके बाद उनका एक संबोधन होगा, उस संबोधन को संबोधित करेंगे और उत्तर प्रदेश में जो विकास की संभावनाएं हैं उन संभावनाओं पे भी प्रकाश डालेंगे कि किस तरीके से पहले की परिस्थितियां रही हैं उत्तर प्रदेश में। अब जब से डबल इंजन की सरकार, चूंकि सरकार कहती है कि हमारी केंद्र में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, ऐसे में डबल इंजन की सरकार किस तरीके से विकास की नई इबारत लिख रही है उस पर भी प्रकाश डालेंगे। तो अब देखा जाए तो पिछले साल इसी फरवरी में 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार को, यानी सरकार और उद्यमियों के बीच में 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की प्रस्ताव एमू समझौता हुआ था। अब उसमें से 10 लाख करोड़ रुपए की एमू जो है वो धरातल पर उतर चुके हैं, यानी वो जो समझौता हुआ था, जो काम हुआ था सरकार और उद्यमियों के बीच में, उसको अब धरातल पर उतारने की बात की जा रही है। और 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की जो ये कार्यक्रम है, भूमि पूजन है, वो आज होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इस कार्यक्रम को लेकर के पहले भी तैयारियों का जायजा लिए थे, उन्होंने सभी विभागवार बैठक किए थे। उसके अलावा जो तैयारियां की जा रही है, तैयारियों को लेकर के प्रशासनिक अमला के साथ भी बैठक किए थे। और इसके अलावा दिल्ली जाने के पहले, शनिवार को दिल्ली जाने के पहले इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान भी पहुंचे थे, वो वहां पर तैयारियों को जायजा लिए थे। अब अंतिम रूप दे दिया गया है, शहर पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जो 4000 से ज्यादा उद्यमी उद्योगपति हैं, उनके इंतजार में जो है कह सकते हैं कि बाहें बिछा दी गई है। अब वो मेहमान आने वाले हैं और तमाम मेहमान राजधानी लखनऊ में पहुंच भी चुके हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से एयरपोर्ट के बीच में ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी मेहमान हो सीधे यहां पे पहुंचे और किसी तरीके की दिक्कत ना हो। इसको लेकर के 5000 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग यहां पे तैनात किए गए हैं। एटीएस के जवान तैनात। उद्घाटन के बाद देखे तो बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजन होंगे और बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल प्रियंका, सरकार का दावा है कि ये 10 लाख करोड़ रुपए के लागत का जो भूमि पूजन होगा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों के द्वारा, उनके द्वारा यहाँ पे, उसके बाद लगभग 34 लाख रोजगार के नए रोजगार सृजन होंगे, यानी अवसर बनेंगे। तो ऐसे में इन 34 लाख नए रोजगार को लेकर के उन्होंने टीम 42 भी गठित किया है कि इस रोजगार के बाद इससे संबंधित अपरोक्ष रूप से क्या अन्य रोजगार भी मुहैया उत्तर प्रदेश में कराया जा सकता है। ऐसे में कई पूर्व नौकरशाह शिक्षाविदों की एक टीम बनाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भी इसमें वर्क करेगी, वो समन्वयता का काम करेगी, कोऑर्डिनेशन होगा। एक कोऑर्डिनेशन ये होगा कि शिक्षाविदों और नौकरशाहों के साथ बैठ करके ये तय करेंगे कि जो अभी की परिस्थिति है, अभी जो माहौल है, इस माहौल में क्या नए रोजगार कैसे पैदा होंगे। दूसरी बात, जब ये 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राशि के लागत का जो एमओयू साइन हुए हैं उसको धरातल पे जब उतारा जाएगा, जब ये काम शुरू हो जाएगा आज के बाद भूमि पूजन के बाद, फिर यहां से कई नए रोजगार के कैसे सृजन होंगे। तो ऐसे में ये जो दोनों चीजें कोऑर्डिनेशन करके फिर एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया जाएगा, इसके बाद ये सब कुछ सारी चीजें तय हो जाएंगी कि किस तरीके से यहाँ पे रोजगार को और भी तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर के नो फ्लाई जोन, जहाँ पे मेरी मौजूदगी है, यहीं से लेकर के पूरे चारों तरफ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पे नो फ्लाई जोन एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार, एयरपोर्ट से लेकर आईजीपी तक पूरे देखा जाए तो पूरे एरिया को सजा दिया गया है। और यहाँ पर जो मेहमान पहुंचेंगे उन्हें यूपी की संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रियंका, मैंने जो तस्वीर अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी, इस तरीके से उत्तर प्रदेश की संस्कृति, सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, देश भर की अलग अलग संस्कृतियों से रूबरू कराया जाएगा। वो ये बताया जाएगा कि उत्तर प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है और यहाँ पे सिर्फ एक कल्चर नहीं, एक प्रदेश नहीं, यहाँ पे देश और दुनिया भर के सभी कल्चर को हम लोग यहाँ पे जमीन पे उतारेंगे, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें। और ये पहली बार नहीं है, 2017 के पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी, चुनाव जब हुआ था, जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले ही योगी आदित्यनाथ के भाषण में यह साफ तौर पर सुनाई दिया जा सकता था, अगर उस समय लोगों को याद होगा। वो कह रहे थे कि जब हमारी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में तो हम उत्तर प्रदेश को, जो बीमारू राज्य है, उस बीमारी राज्य को उत्तर प्रदेश की सभी प्रदेशों की झलकियां उत्तर प्रदेश में दिखाई देगी, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो और रोजगार हो, या फिर यहाँ की संस्कृतिक हो,
तो अब जो है जब भी कोई कार्यक्रम होगा, अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा 22 तारीख 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दरमियान वहां पर भी काफी अलग अलग संस्कृतियां, वहां पे तस्वीरें हम लोगों ने देखा। अब चूंकि उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी सेरेमनी आयोजित किया गया है और सबसे बड़ा कार्यक्रम 22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद किया गया है, कई देशों के राजदूत भी आ रहे हैं, कई प्रदेशों के इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, देश भर के सारे उद्योगपति यहाँ पे, लगभग सभी उद्योगपति यहाँ पे मौजूद होंगे। ऐसे में सिर्फ उनको यहाँ के इन्वेस्टर्स को लेकर के नहीं, यहाँ पे औद्योगिक गलियारों को लेकर के नहीं, यहाँ पे सांस्कृतिक गलियारों की भी चर्चा देखने के लिए मिलेगी, यहाँ की स्थिति देखने के लिए मिलेगी। इसके लिए अलग अलग सांस्कृतिक पर्यटन विभाग ने अलग अलग जो है यहाँ पे बनाया हुआ है, स्टॉल बनाया हुआ है, वहां पे उन स्टॉलों पे वहां पे उसकी तस्वीरें दिखाई देंगे और वहां पे जो है कार्यक्रम होंगे। और ये यही वो तस्वीर है, आप थोड़ा सा और मैं कहूंगा कि थोड़ा सा जूम आउट करके, जूम इन करके दिखाएं कि किस तरीके से कटआउट बनाया गया है। यहाँ पे पूरे रास्ते भर प्रियंका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट बनाया गया है, होर्डिंग लगाया गया है। और एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम और भी होंगे, बड़े कलाकार बॉलीवुड के कलाकार यहाँ पे बुलाए गए हैं। आप वहाँ पे होर्डिंग देखिए, होर्डिंग में मोनाली ठाकुर का जो है तस्वीर लगाई गई, मोनाली ठाकुर का भी कार्यक्रम होना है 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक, 2 घंटे तक कार्यक्रम होगा। इसको लेकर के तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आप इस बात से साफ तौर पर समझ सकती हैं कि जिस तरीके से राजधानी लखनऊ को दुल्हन की तरह सजाया गया है और सिर्फ मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है राजधानी लखनऊ, ऐसे में यहाँ पे अलग अलग खान पान की भी व्यवस्था की गई है, अलग अलग पवेलियन बनाया गया है, अलग अलग सांस्कृतिक स्टॉल लगाए गए हैं, अलग अलग कार्यक्रम स्टॉल लगाए गए हैं, वहां पे ODOP की भी व्यवस्था की गई है, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का नारा उत्तर प्रदेश सरकार शुरू से ही लगाती आ रही है। ऐसे में एक जिला एक प्रोडक्ट का नारा लगातार बुलंद करती है। जब भी हम लोगों ने तस्वीर में देखा कि जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कोई भी, चाहे देश दुनिया का कोई भी मिलने के लिए आता है, तो वो ODOP का एक पैकेट, एक गिफ्ट कह सकते हैं, उस उपहार को वो देते हुए दिखाई देंगे। 75 स्टॉल लगाए गए हैं वहां पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका भी अवलोकन कर सकते हैं। और वहां पे 75 जिले, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, ऐसे में वहां का एक एक विशेष प्रोडक्ट जो होगा, जिसकी पहचान उस जिले की होगी, उस जिले की पहचान जिस प्रोडक्ट से होगी, उस प्रोडक्ट की पहचान जिस जिले से होगी, ये दोनों बातें वहां पे प्रदर्शित की जाएगी। 75 ODOP स्टॉल लगाए गए हैं वहां पे, प्रधानमंत्री सहित तमाम देशों के राजदूत, उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के बाहर के, यानी पूरे देश भर के जो उद्यमी उद्योगपति हैं, उसका भी अवलोकन करते हुए वहां पे दिखाई देंगे। यानी पूरी तैयारियां की गई हैं, बकायदा इन्वेस्टर समिट में जो लोग MOU साइन किए थे वो लोग अब धरातल के लिए। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियंका, ये राजधानी लखनऊ में जो कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहा है, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ही यहाँ पे भूमि पूजन करके इस कार्यक्रम का औपचारिक रूप से शुभारंभ करेंगे, पूरे प्रदेश भर में हर जिले मुख्यालय पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है भूमि पूजन का, जो 10 करोड़ रुपए के कम लागत के इन्वेस्टर्स हैं, यानी जो उद्यमी जिनका MOU साइन 10 करोड़ से कम का है, जो भी प्रोजेक्ट है 5 करोड़ 7 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है, तो उनको जिला मुख्यालय पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है भूमि पूजन का, वहां का जिला प्रशासन उस कार्यक्रम की तैयारियां किया गया है, वहां पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, ठीक हूबहू जो राजधानी लखनऊ में व्यवस्था की गई है वही जिले स्तर पर व्यवस्था की गई है, बस थोड़ा छोटा किया गया है, लेकिन पैटर्न और राजधानी लखनऊ के तर्ज पे ही किया गया है। जो भी मेहमान यहाँ पर पहुंचेंगे उनका ग्रैंड वेलकम यहाँ पर किया जाएगा और हमारी संस्कृति का दीदार उन्हें कराया जाएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 34 लाख रोजगार का सृजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा और इसकी शुरुआत आज होने जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबल के एचोड़ा कंबोह में कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। 1 घंटे तक प्रधानमंत्री धाम परिसर में मौजूद रहेंगे। हेलीपैड पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा कई दिग्गज संत व महात्मा के साथ ही राजनीतिक दलों के लोग मौजूद रहेंगे। तो 10:25 पर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर धाम के हेलीपैड पर लैंड होगा। प्रधानमंत्री गर्भगृह में मुख्य शिला को स्थापित करेंगे।